गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द आई विल फाइंड सम ऑफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ओके, फ्रॉम क्वेश्चन वन. सो आई विल फाइंड एचसीएफ ऑफ सम नंबर्स एंड देन यू हैव टू फाइंड अप सम नंबर्स. ओके, आई विल गिव यू होमवर्क एट द एंड. सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट 1A, ओके, what is 1a? 28 and 36. okay, we have to find HCF of 28 and 36. okay students, so for small numbers we'll find the HCF by method 2, okay, by prime factorization method. So what is prime factorization of 28? Prime factorization of 28 is, let's see that. Here you can see that 2 multiplied by 2 multiplied by 7. Okay. So, prime factorization, okay. Prime factorization of 28 is what? 2 multiplied by 2 multiplied by 7. Okay, student, this PF means prime factorization of 28. 2 into 2 into 7. And what is prime factorization of 36? So it is, here you can see 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Okay. So students, prime factorization of 36 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Okay. So students, here what we have to do to find the HCF, we have to multiply common factors. Okay students, so HCF of 28 and 36 will be what? It will be product of, it will be product of common factors. Okay, it will be product of common factors. So what is common factors here? You can see that here common factor is 2, then again here 2, okay, here you can see 7 is not here, okay, 3 is also not here, 3 is also not here. So what will be the answer? Students, 4 will be the answer, okay. So HCF of 28 and 36 is 4. Here you can see that 28 is equal to what? 4 into 7, and here you can see that 36 is equal to 4 into 9. Okay, and 7 alag number hai, 9 alag number hai. So sabse bada number kya hai? 4 hai. Okay, I can do this by long division method also, okay, but I am not doing here. Okay, I will do long division method for big numbers. चलो करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से. ओके, मेथड 3 से भी करके देखते हैं, बट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड. ओके, सो हियर 36 इज हियर. फर्स्ट क्या करते हैं, इसको स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं. सो 1 टाइम्स 28, हियर 8 इज रिमेनिंग. ओके, नाउ लेट्स डिवाइड दिस 28 बाय 8. सो कितने टाइम्स में? 24. ओके, 3 टाइम्स कितना बच गया? 4. नाउ डिवाइड इज 8 बाई 4, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में. सो हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी लास्ट डिवाइजर इज 4. ओके, सो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 28 एंड 36 विल बी 4, बिकॉज लास्ट डिवाइजर इज 4. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस बाय दिस मेथड आल्सो, बाय दिस मेथड आल्सो. दिस मेथड इज वेरी इजी. ओके, now let's go to another question. Okay, solve this question 1b. This is your homework. Okay students, next C, it is very easy. 1c. okay, let me solve 1c. we have to find HCF of 70 and 71. So this look like big number. Okay, so let's solve it by method 3. So
सेवेंटी वन डिवाइडेड बाय सेवेंटी, सो हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम्स, हियर वन इज कमिंग, नाउ डिवाइड दिस सेवेंटी बाय वन, ओके वी हैव नो ऑप्शन, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी द लास्ट डिवाइजर इज व्हाट, वन, सो आवर आंसर इज, सो एच सी एफ इज वन, वन इज द आंसर, बिकॉज यू कैन सी दैट देर इज नो कॉमन फैक्टर हियर, ओके, इफ नो कॉमन फैक्टर मीन्स व्हाट, वन, हियर यू कैन सी सेवेंटी वन इज प्राइम नंबर, ओके, और प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ओके, जैसे कि थर्टीन है, थर्टीन को कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सो थर्टीन और एनी अदर नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन ही होगा, थर्टीन और उससे नीचे के नंबर का, क्योंकि नहीं आता है, तो सेवेंटी वन यह क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए एच सी एफ इज वन, ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर डी, ओके, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डी इज वेरी इजी, सॉल्व ई ऑल्सो, सॉल्व एफ ऑल्सो, ओके, सो ओके मैं एफ को सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप जी को सॉल्व करना, वन एफ, ओके, सो वी हैव टू फाइंड एच सी एफ ऑफ सिक्सटी एंड हंड्रेड, ओके, सो दिस नंबर्स लुक लाइक बिग नंबर्स, सो व्हाट विल डू, विल सॉल्व बाई थर्ड मेथड, ओके, सो लेट्स डिवाइड हंड्रेड बाई सिक्सटी, सबसे पहले क्या करते हैं, बिग नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, सो वन टाइम्स सिक्सटी, व्हाट इज द रिमेनिंग, फोर्टी, सो इस फोर्टी से हम सिक्सटी को डिवाइड करेंगे, सो वन टाइम्स फोर्टी, सो रिमेनिंग इज ट्वेंटी, नाउ डिवाइड दिस फोर्टी बाई ट्वेंटी, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट लास्ट डिवाइजर इज ट्वेंटी, सो व्हाट इज द आंसर, एच सी एफ ऑफ सिक्सटी एंड हंड्रेड इज ट्वेंटी, यू कैन सी दैट सिक्सटी में क्या आता है, ट्वेंटी इंटू थ्री टाइम्स होता है, ओके, एंड हंड्रेड क्या होता है, ट्वेंटी इंटू फाइव टाइम्स, यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, सो यहाँ का ये आ जाता है ना, सिमिलरली यहाँ पे मैंने करके दिखाया था आपको, ओके, ट्वेंटी एट एंड थर्टी सिक्स का क्या आता है, प्राइम, यहाँ पे फोर सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वील सी हाउ टू फाइंड एच सी एफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स, ओके, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू दिस एग्जाम्पल एंड आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन, देन दिस विल बी योर होमवर्क, ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, डू डू योर होमवर्क, व्हाट आर होमवर्क, होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर वन, वन बी इज होमवर्क, वन आई एक्सप्लेन सी, सो वन डी इज होमवर्क, वन ए, वन ए बी सी डी ई एफ आई एक्सप्लेन एंड वन जी, ओके, सो दिस फोर क्वेश्चंस आर योर होमवर्क एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वन टू थ्री एंड हियर आल्सो यू कैन सी दैट फोर फाइव सिक्स, ओके, सिक्स क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो एंड सेंड मी होमवर्क इन माय व्हाट्सएप नंबर, बाय स्टूडेंट्स.